हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। ये हमारे जेटपैक कंपोज प्लेलिस्ट का 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फील्ड और आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन के बारे में। दोनों ही कंपोजेबल फंक्शन बहुत सिमिलर हैं, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे हम सारा कंपोजेबल फंक्शन वगैरह डिफाइन कर रहे थे, इन सबको पहले मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ कंपोजेबल टेक्स्ट फील्ड। एंड इसको हम यहाँ से प्रीव्यू को रिमूव करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड के बारे में हम देखते हैं पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन के बारे में। यहाँ पे हम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और टेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वाला पहले चूज करते हैं। हमारी इस टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन में अपने को दो आर्गुमेंट यहाँ पे मैंडेटरी है सप्लाई करना। पहला अपना ये वैल्यू, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे दो कंपोजेबल फंक्शन है टेक्स्ट फील्ड के लिए, यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है। पहला तो वैल्यू में टेक्स्ट फील्ड वैल्यू, तो यहाँ पे एक एनोटेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम बात करेंगे कभी, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे वैल्यू है स्ट्रिंग, तो इसको अभी मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स अपने हम लोग पास कर सकते हैं जब भी हम टेक्स्ट फील्ड कंपोजेबल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। पहला अपना वैल्यू, जो कि हम स्ट्रिंग एक इनिशियल स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी अपने को ये प्रोवाइड करना ही होगा। एंड दूसरा यहाँ पे एक है हमारा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही मान लो मैं टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करता हूँ और कुछ भी हमारे सॉफ्ट कीवर्ड से हम कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं, तो वो जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग इस लैम्डा फंक्शन के अंदर में मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और हम इस कंपोजेबल फंक्शन को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर टेक्स्ट हियर, ठीक है। एंड ओन वैल्यू चेंज, तो ये लैम्डा है तो अपने को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा, ठीक है। अब बस इसी के साथ में मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस कंपोजेबल फंक्शन को। तो यहाँ पे रन करने के लिए यहाँ पे अपने को सिंपली रन कंपोजेबल टेक्स्ट फील्ड पे रन करना है, हम पूरे ऐप को रन नहीं करेंगे अभी। अपना कंपोजेबल फंक्शन रन हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड है। एंड यहाँ पे जो हमने इनिशियल वैल्यू रखा था एंटर टेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे कर्सर शिफ्ट तो हो रहा है बट टेक्स्ट यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर हमको एक नया वैल्यू शो करना है हमारे किसी भी कंपोजेबल फंक्शन में, तो उसको रिकम्पोजिशन में जाना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ डी वगैरह एंटर कर रहा हूँ, तो एक नया वैल्यू जा रहा है किसमें, इस टेक्स्ट फील्ड के वैल्यू में, ठीक है। तो अगेन इसको रिकम्पोज करना होगा, ठीक है। तो वो हम खुद तो नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है, बट किसकी हेल्प से होता है, वो होता है स्टेट की हेल्प से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं तो हम जो वैल्यू एंटर करेंगे उसको हम टेक्स्ट फील्ड में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये जो अपना लैम्डा है ओन वैल्यू चेंज, ठीक है, जैसे नेम से ही पता चल रहा है ओन वैल्यू चेंज। एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग द कॉल बैक दैट इज ट्रिगर्ड व्हेन द इनपुट सर्विस अपडेट्स द टेक्स्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम कि एक स्टेट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, और स्टेट को हम अपडेट करेंगे जब भी यहाँ पे ये टेक्स्ट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पास किया है, तो हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, हम स्टेट को पास करेंगे, ठीक है। और स्टेट में कौन सा टेक्स्ट होगा, ओन वैल्यू चेंज वाला जो हम एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो चेंज होगा, तो अब क्योंकि हमारा टेक्स्ट फील्ड एक स्टेट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, है ना, तो जैसे ही स्टेट चेंज होगा तो टेक्स्ट फील्ड दोबारा से रिकम्पोज हो जाएगा। जैसे जैसे रिकम्पोज होगा तो अपने को जो भी हम एंटर टेक्स्ट कर रहे होंगे हमारे टेक्स्ट फील्ड में वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट। एंड यहाँ पे बाय डेलीगेशन का हम यूज करते हैं, अब यहाँ पे रिमेंबर कंपोजेबल फंक्शन का हम यूज करते हैं। एंड यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जिसकी हेल्प से हम स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू में देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यू दिया था, ठीक है, तो इंटर टेक्स्ट ईयर अपने को देखने को मिल रहा है। तो आप ट्राई करना, ये जो हमने यहाँ पे रखा है ना, एक मिनट इसको क्लोज करता हूँ मैं, इंटर टेक्स्ट ईयर, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप इसके साथ रन करके देखना, ठीक है, और देखना कि क्या डिफरेंस आता है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इनिशियल इसका वैल्यू है इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। आप एक वैल्यू प्रोवाइड करके देखना और रन करके देखना। अब ये हमारा एक टेक्स्ट बन गया, ठीक है, जिसका इनिशियल वैल्यू है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड में हम इसको करेंगे पास,
टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पे इस स्टेट को हम अपडेट करेंगे और अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड इक्वल्स टू ये जो भी टेक्स्ट हम एंटर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे वैल इसको वायर में चेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। और अब जब हम कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे हम जो हम टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं वो ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। इस लैम्डा फंक्शन में अपने को एज अ कॉल बैक मिल जाएगा स्ट्रिंग, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम लाइक इस टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं विथ दिस स्टेट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये स्टेट अपडेट होगा, हमने इस टेक्स्ट फील्ड को क्या पास किया है, एक पर्टिकुलर स्टेट पास किया है, ठीक है। तो जैसे स्टेट चेंज होगा ये क्या हो जाएगा, रिकम्पोज, ठीक है। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं इस कंपोजेबल फंक्शन को। सो कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने क्योंकि प्रोवाइड किया था इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपने को एक लाइक इंडिकेटर मिले, एंटर टेक्स्ट हियर समथिंग लाइक दैट। तो हम देखेंगे प्लेस होल्डर और लेबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे अभी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे इस टेक्स्ट फील्ड में हम टेक्स्ट एंटर कर पा रहे हैं। सो अब हम आगे चलते हैं और इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, चलते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड में। और ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं तो इनको हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार पास करके। तो ओन वैल्यू चेंज, इसके बाद है अपना मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफायर के लिए अभी हम सिंपली इसको एक पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम टॉप स्टार्ट में दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफायर डॉट पैडिंग, सारे साइड से ही इसको पैडिंग दे देते हैं 30 dp का, ठीक है। एंड इसके बाद है इनेबल्ड एंड रीड ओनली। तो आप ये खुद से ट्राई करना, इनेबल्ड और डिसेबल्ड के बारे में तो हमने देखा है 2-3 बार, रीड ओनली आप इसको ट्राई करना, ठीक है। सिंपल सा चीज है, इनिशियली यहाँ पे क्या है फॉल्स, अगर इसको आप ट्रू करोगे ना और उसके बाद रन करोगे ऐप को तो आपका टेक्स्ट फील्ड वो देखने को मिलेगा, बट जैसे क्लिक करोगे तो हमारा जो सॉफ्ट कीबोर्ड है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर अभी मैं इस पर क्लिक कर देता था, जैसे अगर इसको मान लो एग्जिट करते हैं, ठीक है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सॉफ्ट कीबोर्ड अपियर हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट एंटर करने के लिए। लेकिन अगर रीड ओनली यहाँ पे ट्रू होगा तो ये जो हमारा सॉफ्ट कीबोर्ड है ये अपने को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनेबल्ड और रीड ओनली आप खुद से ट्राई करना। टेक्स्ट स्टाइल ये हमने पहले देखा था, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड में उसको एक कस्टमाइज्ड अगर अपने को डिजाइन देना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट स्टाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि कैसे हम टेक्स्ट स्टाइल का यूज कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद है लेबल एंड प्लेस होल्डर, ठीक है। तो हम लेबल में देख सकते हैं कि हम एक कंपोजेबल फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कोई भी कंपोजेबल फंक्शन हो सकता है, कोई आइकन या फिर टेक्स्ट वगैरह, बट नॉर्मली हम टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। और सेम गोज फॉर द प्लेस होल्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों का यूज करते हैं और इसको मैं एक लेबल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। लेबल मतलब ये टेक्स्ट फील्ड किसके लिए होना चाहिए, देखो ये अपना लैम्डा फंक्शन है तो मैंने कर्ली ब्रेस लगा दिया। अब यहाँ पे अपने को कंपोजेबल फंक्शन पास करना है, ठीक है, मतलब UI का एलिमेंट पास करना है। तो वो हम पास करते हैं टेक्स्ट फील्ड, नॉट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट, ठीक है। अब लेबल में हम पास करते हैं ईमेल, जो कि ये स्पेसिफाई करेगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो एक ईमेल एंटर करने के लिए है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्लेस होल्डर मैं रखता हूँ, प्लेस होल्डर में भी अगेन ये अपना एक लैम्डा फंक्शन अपने को पास करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट पास करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ प्लीज एंटर या फिर एंटर योर ईमेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लेबल और प्लेस होल्डर का यूज किया है। तो अब इसके साथ हम हमारे कंपोजेबल फंक्शन को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे अपना कंपोजेबल फंक्शन रन हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेबल हमने यहाँ पे रखा था वो ईमेल अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे हमने मॉडिफायर में पैडिंग भी लगाया था, तो देख सकते हैं सारे साइड से यहाँ पे एक पैडिंग देखने को मिल रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं इंटर योर ईमेल, ठीक है, ये प्लेस होल्डर अपने को देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, जैसे कोई टेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं, हमारा जो प्लेस होल्डर है वो अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी होता है तो अगेन से हमारा जो प्लेस होल्डर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेबल अपने को रखना ही पड़ेगा। प्लेस होल्डर काइंड ऑफ ऑप्शनल है, ठीक है, अगर मान लो आप नहीं चाहते हो कि लाइक ये जो टेक्स्ट है एंटर और ईमेल ये ना दिखे, अगर मान लो अभी आप प्लेस होल्डर को नहीं रखते हो तो यहाँ पे सिंपली पूरा एम्प्टी स्पेस दिखेगा। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इनको यूज कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं और इनके बाद हम देखते हैं लीडिंग आइकन एंड ट्रेलिंग आइकन, ठीक है। तो ये जो अपना टेक्स्ट फील्ड है हम यहाँ पे स्टार्ट में एंड यहाँ पे एंड में हम कुछ आइकन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये ईमेल वाला है तो हम इनिशियली यहाँ पे एक ईमेल का आइकन रख सकते हैं,
मान लो पासवर्ड वाला होगा तो यहाँ पे एक जो आई वाला आइकन होता है, ठीक है, एक ओपन आई और एक क्लोज आई, ठीक है, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इन आइकन्स को, एंड यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं लीडिंग आइकन। अब अगेन यहाँ पे अपने को एक कंपोजेबल फंक्शन हम कोई प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आइकन यूज करते हैं। अब देखो हम इसको क्लिकेबल नहीं बनाना चाहते, तो हम आइकन्स बटन का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, यूज आइकन्स का। ठीक है, नोट आइकन्स का, आइकन का जो हमारा कंपोजेबल फंक्शन है। और आइकन्स तो हम यूज करते हैं अगर अपने को बाय डिफॉल्ट जो भी इमेज वेक्टर के अंदर है आइकन्स उनको यूज करना होता है तब। ठीक है, तो आइकन्स डॉट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे ये ईमेल जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम यूज करते हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन इसको मैं बोल देता हूँ ईमेल आइकन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कलर वगैरह आई थिंक टिंट था। ठीक है, तो ठीक है आप जो भी कलर वगैरह आप देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बस इसको हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंड ये जो अपना लीडिंग आइकन है इसको हटा के मैं बोल देता हूँ ट्रेलिंग आइकन, एंड यहाँ पे एक डन वाला जो आइकन है वो हम यूज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियली अब यहाँ पे दो आइकन्स देखने को मिल रहे हैं, स्टार्टिंग में मतलब लीडिंग आइकन और एंड में। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो जो प्लेस होल्डर मैंने हटाया था वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे हम यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। सो ये थे हमारे लीडिंग आइकन और ट्रेलिंग आइकन। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, एंड इसके बाद है प्रीफिक्स, सफिक्स और सपोर्टिंग टेक्स्ट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है प्रीफिक्स मतलब जैसे अभी हम कोई, जैसे हमने इनिशियली से क्या रखा है इसको एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, बट मान लो कि जैसे ही यूजर एंटर कर रहा है उसके साथ हम कुछ प्रीफिक्स चाहते हैं तो वो हम एंटर करा सकते मतलब रख सकते हैं। ठीक है, पहले से ही। सफिक्स में मान लो जैसे यहाँ पे ईमेल एंटर करना है, सफिक्स में हम क्या रख सकते हैं @gmail.com। ठीक है, सपोर्टिंग टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये जो सपोर्टिंग टेक्स्ट है ये नीचे में अपने को देखने को मिलता है। तो मान लो अपने को कुछ एरर वगैरह शो करना है या कुछ भी रिलेवेंट चीज शो करना है या कुछ भी चीज मतलब कंपोजेबल फंक्शन एक, ठीक है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। एंड इसके बाद है सपोर्टिंग टेक्स्ट, तो इन तीनों को अब हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ। तो ये था अपना ट्रेलिंग आइकन, इसके बाद है अपना प्रीफिक्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमें एक कोलन लैम्डा पास करना होगा। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंड इसको मैं सिंपली बोल देता हूँ प्रीफिक्स टेक्स्ट। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ये होगा अपना सपोर्टिंग, से पहले है सफिक्स, एंड ईमेल है तो इसको हम बोल सकते हैं @gmail.com, एंड सफिक्स के बाद है अपना सपोर्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, और ये जो अपना टेक्स्ट है इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड दिस इज अ सपोर्टिंग टेक्स्ट। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो अपना कंपोजेबल फंक्शन रन हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अपना सपोर्टिंग टेक्स्ट है वो यहाँ पे नीचे में देखने को मिल रहा है। तो मान लो अपने को कोई एरर वगैरह शो करना है तो उस टाइम पे हम इस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीफिक्स टेक्स्ट अपने को देखने को मिल रहा है पहले, उसके बाद अपना ये सफिक्स, एंड बीच में हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे प्रीफिक्स, सफिक्स और हमारा सपोर्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, एंड अब इसके बाद है अपना ये इज एरर वाला पैरामीटर। तो जैसे ही इसको आप ट्रू रखते हो तो हमारे जो टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट लेवल प्लेस होल्डर वगैरह थे वो अपने को रेड कलर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इवन जो अपना ये सपोर्टिंग टेक्स्ट है शायद ये भी रेड कलर में दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना है एक बार, इस एरर वाले को ट्रू करना। ठीक है, तो इसका एक यूज केस क्या हो सकता है कि मान लो आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो पासवर्ड एंटर करने के लिए है, एंड अब आपने एक एल्गोरिथम डिफाइन करके रखा है कि जब पासवर्ड एंटर कर रहा है यूजर तो उसमें टेक्स्ट नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह होने ही चाहिए, और जब यूजर एंटर कर रहा है तो उसने बस अभी तक टेक्स्ट एंटर करके रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब तक आपके एल्गोरिथम के साथ में यूजर का पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तब तक आप इस एरर वाले को ट्रू करके रखना। तो क्या होगा, एक एरर काइंड ऑफ लाइक मतलब रेड कलर में दिखेगा, तो यूजर को पता रहेगा कि हाँ जो मैंने पासवर्ड अभी एंटर किया वो सही नहीं है। ठीक है, एंड जैसे ही यूजर का पासवर्ड एल्गोरिथम के साथ में मैच करता है तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो, तो यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ जो भी मैंने पासवर्ड एंटर किया है
वो एल्गोरिथम के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ यूज केस हो सकता है इस वाले पैरामीटर का, ठीक है। एंड इसके बाद है यहाँ पे विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनिशियली यहाँ पे ये नन है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है पासवर्ड वाला, तो उसका हम यूज करते हैं। अगर उसको हम सेट करके रखेंगे तो जैसे हम कुछ कैरेक्टर्स एंटर करते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे, डॉट 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 अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हम पासवर्ड अगर एंटर करने के टाइम पे अपने को दिखता है वो वाला, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जो विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे हम यूज करते हैं, आई थिंक उसका नाम है पासवर्ड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अपना एक क्लास है। सो इस क्लास में यहाँ पे ये कुछ मास्क है, मतलब ये इनिशियली डॉट है आई थिंक, ठीक है, कैरेक्टर। यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर हम शो कर सकते हैं लाइक स्टार वगैरह कुछ भी, तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है, आपको सिंपली इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी में। एंड अभी जब हमने इसको सेट कर दिया है पासवर्ड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी अगर आप ऐप को रन करोगे तो जो भी आप टेक्स्ट एंटर करोगे वो एज अ डॉट अपने को देखने को मिलेगा। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम जैसे ही कुछ टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो इनिशियली अपने को डॉट दिखेगा, एंड हम ये जो अपना ट्रेलिंग आइकन है यहाँ पे हम दो आइकन्स रखेंगे, ठीक है, एक तो ओपन आई वाला और एक क्लोज आई वाला। सो इनिशियली जो हम ट्रेलिंग आइकन रखेंगे वो होगा अपना क्लोज आई वाला, है ना। एंड जैसे ही यूजर इस ट्रेलिंग आइकन पे क्लिक करता है, मतलब क्लोज आई वाले पे क्लिक करता है, तो अपना जो आई है वो ओपन हो जाएगा, मतलब हम अपने पासवर्ड को देख पाएंगे, ठीक है। मीन्स जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको हम शो करा देंगे। तो अब हमारे आइकन्स के लिए जो हम ओपन आई और क्लोज आई दो आइकन्स यूज करने हैं, तो वो अपने को यहाँ पे डिफॉल्ट में, मतलब वेक्टर एसेट में अपने को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आई लिखता हूँ तो यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आइकन चाहिए तो आप सिंपली जाएं ब्राउजर पे एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप फंड्स वगैरह आइकन्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मटेरियल आइकन्स पे जाना है, एंड यहाँ पे अगर ऐसा कुछ देखे तो आपको यहाँ पे बस आइकन्स पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको आइकन चाहिए होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आई सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो विजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ वाला आइकन है वो यहाँ पे अपने को चाहिए था, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम एज ए SVG, ठीक है। एंड ये जो विजिबिलिटी ऑफ है इसको भी यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जो भी मेरा डाउनलोड फोल्डर है वहां से कॉपी करके मैं उसको एंड्रॉइड स्टूडियो में ये जो अपना ड्रॉएबल वाला फाइल है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे हमने SVG डाउनलोड किया है तो उसको हम डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फाइल का एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे बस या तो हम कोई PNG इमेज या फिर XML फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए अपने को क्या करना है, सिंपली जाना है वेक्टर एसेट पे, ठीक है, लोकल फाइल SVG और PSD के लिए, एंड यहाँ पे आपको पाथ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड जहाँ पे भी आपका डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है, तो अभी उसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया था, ये दो आईज हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना जो विजिबिलिटी था वो यहाँ पे आ गया है, विजिबिलिटी वाला आई। अब सिमिलरली यहाँ पे जो अपना विजिबिलिटी ऑफ वाला था उसको भी यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है एंड ये था विजिबिलिटी ऑफ वाला, ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो अब अगर हम इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो आइकन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हमने यहाँ पे विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को पासवर्ड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन सेट करके रखा है तो इसके साथ आप इस कंपोजेबल फंक्शन को आप एक बार रन करके देखना। कुछ नहीं होगा, बस सिंपली जो आप टेक्स्ट एंटर करोगे जो भी कैरेक्टर्स वो इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टर्स अपने को डॉट 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 देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लिख लेता हूँ एंड उसके बाद मैं रन करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इनिशियली इसको क्या बोल दिया है, विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पासवर्ड वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम पासवर्ड को भी देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो लेबल वगैरह है इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नीड नहीं है, मैं इसको अभी ईमेल ही रखता हूँ आप यहाँ पे, क्योंकि जब हम जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसका नीड नहीं है। बस यहाँ पे जो ट्रेलिंग आइकन है, अब यहाँ पे हम आइकन इनिशियली क्या रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पासवर्ड को देख नहीं पा रहे हैं तो अपना जो विजिबिलिटी ऑफ वाला था उसको हम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज वेक्टर है तो हम पास करेंगे यहाँ पे इमेज वेक्टर, ठीक है। सो इमेज वेक्टर डॉट वेक्टर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट विजिबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा ट्रेलिंग आइकन है इनिशियली अपने को ये आइकन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करता है तो हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो अपना विजिबिलिटी ऑफ है ये विजिबिलिटी वाला आइकन बन जाए, ठीक है, मतलब
अपना ये जो आइकन है वो क्लिकेबल हो। तो हमारा जो आइकन है इसको हम क्लिकेबल कैसे बनाएंगे, हम यूज करेंगे आइकन बटन्स का, ठीक है। और इसके अंदर अब हम आइकन को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही अब आइकन पे क्लिक होता है, मतलब हमारे आइकन बटन पे सॉरी, तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा कॉल बैक। एंड इस कॉल बैक में हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो आइकन है यहाँ पे हम ना इफ एल्स लगा सकते हैं कि इनिशियली तो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे और एल्स में हम विजिबिलिटी वाले को शो करेंगे, ठीक है। तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे, तो अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक ट्रू फॉल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम एक सिंपल सा वेरिएबल तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि जब ये हमारा आइकन है इस पे जब हम क्लिक करेंगे और विजिबिलिटी वाला जब अपने को शो करना है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगेन हमको इसको रिकम्पोज करना पड़ेगा विद द डिफरेंट आइकन वैल्यू, है ना। तो स्टेट अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप कंपोज में तो सिंपल सा जो वेरिएबल होता है वो आप भूल ही जाओ, ठीक है। अपने को हमेशा स्टेट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ वेर, एंड यहाँ पे इनिशियली हम इसको बोल देते हैं पासवर्ड विजिबल, ठीक है, एंड बाय रिमेम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, क्या पासवर्ड अपने को विजिबल है इनिशियली, नहीं, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा फॉल्स, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये जो अपना आइकन बटन था, मतलब हमारा जो आइकन है इस पर जैसे क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना वेरिएबल है, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाला, इसको हम टॉगल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टॉगल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली तो ये मान लो फॉल्स होगा, है ना, जैसे क्लिक करेंगे फिर ये ट्रू हो जाएगा, जब ट्रू है तो फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। मतलब टॉगलिंग का काम यहाँ पे होगा जैसे ही हमारे इस आइकन बटन पे हम क्लिक करते हैं। एंड अब यहाँ पे ये जो आइकन हम शो कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसको शो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ, एंड ये जो अपना पासवर्ड विजिबल है, ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं पूरा कट करता हूँ, इफ पासवर्ड विजिबल, एंड इसके अंदर में इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इनिशियली अपना ये पासवर्ड विजिबल क्या है, हमने क्या रखा है इसको फॉल्स, ठीक है, और ये जो अपना पासवर्ड विजिबल है इसके सामने मैं क्या लगा देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो आई होप कि आपको ये बेसिक लॉजिक पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका एल्स ब्रांच भी लिखना है, ठीक है, और उस एल्स ब्रांच में हम क्या लिखेंगे, ये जो आइकन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो विजिबिलिटी ऑफ है, अब इसको मैं बोल देता हूँ विजिबिलिटी, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे अपने को कॉमा लगाना होगा। सो आई होप कि आपको ये लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, तो इनको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। एंड अब यहाँ पे हम एक बार ऐप को रन करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये चीजें कैसे वर्क कर रही है। सो मैं रन करता हूँ हमारे इस कंपोजिबल फंक्शन को। सो अपना कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आइकन ये देखने को मिल रहा है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे टॉगल हो रहा है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा बुलियन वेरिएबल रखा था, ठीक है, तो उसकी हेल्प से। अब यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट एंटर करता हूँ तो इनिशियली यहाँ पे डॉट 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 देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कुछ मिस किया है। ओके, सो यहाँ पे ये जो अपना विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको भी अपने को अपडेट करना है, ठीक है। तो इनिशियली अपने को ये शो करना है, ठीक है। तो ये अपने को कब शो करना है, इफ जब अपना पासवर्ड विजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड विजिबल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल जो इसका वैल्यू है वो फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, एंड इसके बाद यहाँ पे एल्स में अपना ये जो विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे नॉट लेमडा वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डॉट नन। तो अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो अपना कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है, एंड अब यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट एंटर करता हूँ एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ तो अगेन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पासवर्ड वाला विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका वर्किंग भी समझ में आ गया होगा। सिंपली अगर मैं इसको इनिशियली बात करूँ, एक बार इसको दोबारा से मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो अपना वेरिएबल था पासवर्ड विजिबल, इसको हमने क्या रखा है इनिशियली, फॉल्स। और ये जो अपना स्टेट है पासवर्ड विजिबल, इसको यहाँ पे दो कंपोजिबल फंक्शन, नॉट एक कंपोजिबल फंक्शन, अपना आइकन बटन, ठीक है, और दूसरा अपना यहाँ पे हम इसको एज ए आर्गुमेंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसको कंडीशन रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आइकन बटन है, यहाँ पे सबसे पहले हम आइकन में डायरेक्टली कोई आइकन शो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंडीशनली दो आइकन शो करेंगे,
बट इनिशियली हमने यहाँ पे पासवर्ड विजिबल जो अपना विजिबिलिटी ऑफ वाला है उसको हमने रखा है, ठीक है। अब क्योंकि ये इनिशियली फॉल्स है तो अल्टीमेटली इसके सामने हमने इसको एक्सक्लेमेशन मतलब इसको हमने निगेशन कर दिया तो ये ट्रू हो गया, तो ये आइकन अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड एल्स में, और एल्स अपना कब होगा, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ इस कर्सर को, ठीक है, हवर कर रहा हूँ मतलब, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक इफेक्ट वाला देखने को मिलता है, ठीक है, वो हमारा आइकन बटन की वजह से देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैं आइकन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ हमारा जो है पासवर्ड विजिबल है वो यहाँ पे टॉगल हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे क्या था, फॉल्स, तो यहाँ पे ये निगेशन है तो ट्रू हो जाएगा और ट्रू इस स्टेट में सेव हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये आइकन कंपोजेबल फंक्शन इस स्टेट को होल्ड करके रखा है तो ये अगेन से रन होगा और अभी जब ये चेक करेगा तो ये ट्रू है तो अल्टीमेटली ये फॉल्स हो जाएगा और ये जो एल्स कंडीशन है ये रन होगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये जो विजिबिलिटी ऑन वाला है, ठीक है, विजिबिलिटी वाला वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि ये जो अपना पासवर्ड विजिबल वाला स्टेट है वो ट्रू है या फॉल्स। तो अभी ये ट्रू है, ठीक है, इसीलिए अपने को यहाँ पे विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में नन देखने को मिल रहा है, मतलब जो भी हम एंटर करेंगे वो अपने को देखने को मिलेगा। बट जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अपना जो पासवर्ड विजिबल है वो यहाँ पे ट्रू से फॉल्स हो गया, ठीक है। अब जैसे ही फॉल्स हो गया तो अपना इफ वाला जो केस है वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ और यहाँ पे जो पासवर्ड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे डॉट डॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में यह है कीबोर्ड ऑप्शंस। तो चलते हैं हमारे कंपोजेबल फंक्शन में एंड यहाँ पे अब मैं कीबोर्ड ऑप्शन को यूज करता हूँ। सो कीबोर्ड ऑप्शन, अब यहाँ पे कीबोर्ड ऑप्शंस हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इन्फॉर्म्स द कीबोर्ड वेदर टू ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कैरेक्टर्स वर्ड्स और सेंटेंसेस ओनली एप्लीकेबल टू ओनली टेक्स्ट बेस्ड कीबोर्ड टाइप सच एज कीबोर्ड टाइप डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट कीबोर्ड टाइप, तो ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे जो भी हम लाइक टेक्स्ट फील्ड रखे हैं उसमें अपने को बस टेक्स्ट एंटर करना है या फिर नंबर्स, ठीक है, तो वो सब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आई मी एक्शन, तो जो हमारा सॉफ्ट कीबोर्ड होता है उसके बॉटम राइट में आइकन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छे यूएक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही मान लो यूजर सर्चिंग वाले टेक्स्ट फील्ड में है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट कीबोर्ड है उसमें आइकन हम सर्च वाला शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आई मी एक्शन यूज होता है। एंड यहाँ पे इसके बाद कीबोर्ड एक्शन भी है, तो अपने को एक फंक्शन मिलता है, तो जैसे ही हम उस आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मान लो सर्च वाला है, तो उसके बाद अगर मान लो अपने को कुछ करना होगा तो वो काम हम उस फंक्शन के अंदर में कर सकते हैं, तो वो चीज़ अपने को कीबोर्ड एक्शन के अंदर मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी अभी हम देखेंगे। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम यूज करके देखते हैं। तो पहला है ये कैपिटलाइजेशन, तो इसके अंदर में भी जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड, तो ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी में एंड यहाँ पे जो है कीबोर्ड कैपिटलाइजेशन, तो यहाँ पे मैं वर्ड्स वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी हम एंटर करेंगे वर्ड्स उनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटलाइज होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे है कीबोर्ड टाइप, तो कीबोर्ड टाइप में यहाँ पे मान लो भी मैं टेक्स्ट रखता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हम देख सकते हैं और भी जैसे नंबर है, आस्का, URI, ईमेल, ठीक है, तो ये सब हम अपने यूज केस के हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे है IME एक्शन, ठीक है, सो IME एक्शन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक मिनट, सर्च डिफॉल्ट डन, ठीक है, तो सर्च में जो सर्च वाला आइकन होता है वो देखने को मिलेगा, डन में एक राइट क्लिक जो होता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट में एक वो नेक्स्ट वाला होता है आइकन, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको सर्च रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, सिंपल सा, यहाँ पे जो भी हम वर्ड्स एंटर करेंगे हमारी टेक्स्ट फील्ड में उसमें जो भी वर्ड्स होंगे उनके जो पहले लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में वैसे तो टेक्स्ट वाला ही कीबोर्ड अपने को देखने को मिलता है, बट आप यहाँ पे ट्राई करना नंबर या फिर कुछ और कीबोर्ड टाइप सेलेक्ट करने का। मान लो आप नंबर सेलेक्ट करते हैं
तो जैसे ही आप टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो नंबर वाला जो कीबोर्ड होता है जहाँ पे हम नंबर्स एंटर कर सकते हैं वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक आइकन आना चाहिए हमारे सॉफ्ट कीबोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होता है, कीबोर्ड एक्शंस, ठीक है। सो कीबोर्ड एक्शंस के अंदर में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंट्रोल पी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ऑन डन, ऑन गो, ऑन नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट करते हैं कीबोर्ड टाइप, तो उसके हिसाब से हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन यूज कर सकता हूँ क्या, ओन सर्च। अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन अपने को पास करना होगा, तो यहाँ पे मान लो मतलब ये क्लिक पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज रन व्हेन द यूजर ट्रिगर्स द सर्च एक्शन, अ नल वैल्यू इंडिकेट्स दैट द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इफ एनी शुड बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे अभी मैं एक लॉग रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ऑन सर्च, ठीक है, एंड इसको भी हम अभी बोल देते हैं ऑन सर्च, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे कंपोजिबल फंक्शन को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा कंपोजिबल फंक्शन रन हो चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह एंटर करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने कैपिटलाइजेशन वाला रखा था, ठीक है, तो इस पर अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमारे कीबोर्ड में, कि तो 1 मिनट, कि तो इसको अपने को विजिबल करना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी वर्ड्स यहाँ पे अब लाइक एंटर हम कर रहे हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट वाला कीबोर्ड ही देखने को मिलता है, बट अगर इसको मैं नंबर कर देता हूँ तो जो अपना ये नंबर वाला कीबोर्ड होता है ये वाला, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे IME एक्शन में हमने सर्च रखा था, इसीलिए यहाँ पे जो आइकन है ये यहाँ पे सर्च आइकन देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे कीबोर्ड एक्शन में ऑन सर्च वाले फंक्शन को यूज किया था। यहाँ पे हमने लॉग रखा है ऑन सर्च, ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं इस लॉग को एंटर कर लेता हूँ लॉग कैट में। अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक सर्च पे, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो ये जो अपना फंक्शन है ये ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो आपका जो भी यूज केस होगा, आप जब प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड एंड हमने यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ पे इसके बाद है सिंगल लाइन, तो इनिशियली यहाँ पे फॉल्स है। तो अगर आपको आपके टेक्स्ट फील्ड में ओनली एक लाइन एंटर कराना है यूजर से, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसको ट्रू करा सकते हैं। मैक्सिमम लाइन्स, मिनिमम लाइन्स, तो ये सब चीज़ें आप सिंपल सिंपल हैं, इन सब चीज़ों को आप ट्राई करके देखना, ठीक है। इंटरैक्शन सोर्स, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम इसका यूज तब करते हैं जब मान लो कोई भी हमारा कंपोजिबल फंक्शन है एंड हम चाहते हैं कि उस पर जब यूजर प्रेस कर रहा है या उसको जब रिलीज कर रहा है, उन सब चीज़ों का जब इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, इंटरैक्शन सोर्स का। तो इसके ऊपर मैं हो सकता है एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँ। इसके बाद है अपना शेप, तो ये जो अपना टेक्स्ट फील्ड है इसको हम एक शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक राउंडेड कॉर्नर शेप देते हैं, ठीक है। एंड शेप इसको मैं बोल देता हूँ राउंडेड कॉर्नर शेप, 20 dpi इसका हम कॉर्नर रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आई थिंक बस कलर्स बचा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कलर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स के अंदर में हमारा होगा कलर्स, इसको करेंगे हम कॉपी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँ तो देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे कलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली कंट्रोल क्लिक करके जा सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोकस्ड टेक्स्ट कलर, अनफोकस्ड टेक्स्ट कलर, कंटेनर कलर, ठीक है, फोकस्ड और अनफोकस्ड। तो फोकस्ड मतलब जब हमने क्लिक कर लिया है, ठीक है, अनफोकस्ड मतलब जस्ट हमने अभी रन किया है और उस पर हम लोग टच नहीं किए हैं, ठीक है, तब का केस है अनफोकस्ड, और जैसे क्लिक किया तो फोकस्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे एक है कर्सर कलर, तो जो हम कर्सर देखने को मिलता है अपने को, ठीक है, उसका भी कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कलर्स हैं, तो सारे को तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कलर्स प्रोवाइड कर लेता हूँ कुछ पैरामीटर्स का यूज करके। चलते हैं मेन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पे मैं कुछ कलर्स ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स ऐड कर लिया है हमारे टेक्स्ट के लिए, फोकस्ड अनफोकस्ड दोनों के केस में, कंटेनर के लिए, ठीक है, लेबल, प्लेस होल्डर, आइकन्स वगैरह जो हमने रखा था उनके लिए, ठीक है, और यहाँ पे कर्सर के लिए। तो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो अपना कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पे रन हो गया है, इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ।
सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें काफी कलर से यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड अगर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ तो ये कलर्स वगैरह मैंने यहाँ पे ब्लू रखा था और कंटेनर कलर, ये जो कलर सियान होता है, तो इस प्रकार से आप कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो नीचे में इंडिकेटर है, ठीक है, इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, तो इसका भी हम जो कलर है इसको चेंज कर सकते हैं। एंड मान लो आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको सिंपली ट्रांसपेरेंट कलर दे देना, ठीक है, तो अपने को देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ये ट्राई करके देखना। सो ये था हमारे टेक्स्ट फील्ड के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के बारे में। तो दोनों में यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड हटा के इस कंपोजिबल फंक्शन को बोल दूं मैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, तो देखना यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जितना भी चीजें अभी हमने प्रोवाइड किया है टेक्स्ट फील्ड को, वो सारी की सारी चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को भी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी पैरामीटर यहाँ पे चेंज्ड नहीं है, ठीक है, सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे सेम है। तो अगर अभी हम रन करते हैं हमारे इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा हमारे टेक्स्ट फील्ड और आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड इन दोनों के बीच में। एंड अगर बेसिकली हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड होता है हम उसमें कभी कभी लाइक अगर कंटेनर कलर चाहते हैं तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में हम इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, मतलब कोई भी कंटेनर कलर नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जो हमने कलर्स प्रोवाइड किया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंटेनर कलर है इसको ये कलर हटा करके मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो अपना कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पे रन हो गया है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है अपना आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड जो कि हमने टेक्स्ट फील्ड से ही बनाया है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी एंटर करना होगा हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे हमने कलर्स प्रोवाइड किए हैं तो ये हमने कहाँ से प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स, ठीक है। बट आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के अंदर में अगर हम जाएं एंड इसके नीचे में आते हैं कलर्स में, तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स भी है, ठीक है। तो अगर इस पे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ एंड हम नीचे आते हैं, या फिर एक मिनट, ये जो कलर्स था इस पे हम आते हैं, ठीक, एंड यहाँ पे जो डिफॉल्ट आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड कलर है इस पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो अपना कंटेनर कलर है फोकस्ड अनफोकस्ड इन सबको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्पेसिफिकली बस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, बट अगर आप टेक्स्ट फील्ड भी यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही रह के आप थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके आउटलाइन फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको टेक्स्ट फील्ड एंड आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड इन दोनों कंपोजिबल फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। आज की वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चिप्स के बारे में। तो जैसे मान लो अगर हमारे एंड्रॉइड यूआई में अपने को कुछ चिप्स शो करना है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चिप्स के बारे में। हम देखेंगे कि चिप्स क्या होते हैं और किन चीज़ों के लिए हम चिप्स का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप हमारे इस जेटपैक कंपोज के प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपाए कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।